छत्तीसगढ़ की सरकार में सीएम भूपेश बघेल के बाद अगर आप सबसे बड़ा कोई चेहरा देखते होंगे तो वो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का है। हालांकि ये फिलहाल पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं, सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला है वो लागू नहीं हो पाया और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने अपनी उम्मीदें अभी नहीं खोई हैं और वक्त वक्त पर वो बयान देते रहते हैं, जिससे सियासी गणित एक बार फिर रिफ्रेश हो जाता है, फिर से वो सुर्खियों में आ जाता है। तो इस बार उन्होंने क्या कहा है वो देखिए, उसके लिए हमने ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव क्या अभी भी नाराज चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब से ही ये बात कही जाती रही है कि सीएम का पद ढाई साल के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने की बात थी। वहीं इसके अगले ढाई साल टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनना था, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान देते हुए छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव से पहले अपने भविष्य को लेकर निर्णय करूंगा। सीएम न बनाए जाने के सवाल पर टीएस ने कहा कि अब तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम का समय बचा है। मतलब साफ है कि टीएस बाबा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रहने या कांग्रेस छोड़ने पर फैसला ले सकते हैं। टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री न बनाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी के बारे में जब पत्रकारों ने सवाल किया तो बाबा ने कहा कि ये कार्यकर्ता के मन की बात है कि वो किस बात को लेकर काम करना चाहेंगे, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव से पहले अपने भविष्य को लेकर निर्णय जरूर लूंगा। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है किस बात को लेकर वो काम करना चाहेंगे। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ में सरकार के आधे कार्यकाल यानी ढाई साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुर्सी नहीं छोड़ी। इस बारे में सिंहदेव खुलकर बोलते रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण कांग्रेस आलाकमान के चलते वो कोई बड़ा फैसला या कड़ा कदम नहीं उठा पाए। राज्य में विधानसभा चुनाव को एक साल से भी कम का समय बचा है, अब ऐन चुनाव से पहले टीएस बाबा के इस बयान से राज्य में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि टीएस बाबा के इस बड़े बयान के बाद क्या कांग्रेस आलाकमान इस पर कोई फैसला ले पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, 4th I न्यूज। तो टीएस सिंहदेव के बारे में आपने ये रिपोर्ट देख ली, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके साथ आप ये भी बताइएगा कि क्या वाकई टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री मटेरियल है या नहीं। अपनी राय कॉमेंट जरूर करिएगा। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं।